मैं हूँ अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं भाग्य चक्र। आइए भाग्य चक्र के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से आपको हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स हैं। बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। जो अंजू वत्स आपको बताएंगी आज का पंचांग और इसके बाद धीरे धीरे हम राशि फल की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। जी, आज का पंचांग तारीख 2 जनवरी 2019, विक्रम संवत 2075, महीना पौष, दिन बुधवार, ऋतु हेमंत, आयन उत्तरायण, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र अनुराधा, सूर्य धनु राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में। आज का राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। चलिए, तो ये आज का पंचांग आप तक पहुंचाया अंजू वत्स ने, ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स से। अब एक एक करके हम राशि फलों के बारे में जानेंगे। शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि, आज आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, किसी रुके काम के पूरे होने से खुशी मिलेगी, यात्रा की योजनाएं बनेंगी, पॉलिटिक्स में सफलता और उन्नति की संभावनाएं रहेंगी, वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, आईटी और मीडिया फील्ड के जो व्यक्ति हैं उनमें उन्हें सफलता मिलेगी। आज आपकी सेहत कुछ खराब रह सकती है, गाय को केले खिलाएं। बिल्कुल, तो ये मेष राशि वालों के लिए ये जानकारी हम दे रहे थे। और कुछ भी जानना चाहते हैं आप अपने राशि फल के बारे में, अपने आप को लेकर, तो आप फोन कर सकते हैं। हम ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स के मोबाइल नंबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप बेझिझक फोन कीजिए, मैसेज कीजिए और आप मुलाकात का समय इनसे ले सकते हैं। मेष राशि के बाद आगे बढ़ेंगे वृष राशि की तरफ। वृष राशि, आज आप पदोन्नति की दिशा में बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे, छात्र अपनी सफलता से प्रसन्न रहेंगे, व्यवसाय में लाभ से आज मन प्रसन्न रहेगा, आज धन का व्यय ना करें, हो सकता है कुछ खरीदने का विचार बने, आज परिवार में तनाव हो सकता है, सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें। चलो, तो याद रखिए सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना है, आप काम में बेहतरी चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बहुत ही उम्दा विचार जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं ये आपके काम आएंगे, नोट कर लीजिए अगर आप चीजों को भूल जाते हैं तो। आगे बढ़ते हुए हम मिथुन राशि की तरफ देख लेते हैं कि आज उनके लिए आप क्या कहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है, धन के आगमन की संभावनाएं रहेंगी, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई रुका काम पूरा हो सकता है, आपके वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहेगी, सेहत भी अच्छी रहेगी, गाय को आज पालक या हरा चारा खिलाएं। चलिए, तो मिथुन राशि के बाद अब बारी आ जाती है कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए क्या कहेंगे आप। जी, कर्क राशि, आज आप धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे, आईटी और मीडिया के जो व्यक्ति हैं उनके लिए दिन सफल रहेगा, छात्रों को सफलता की प्राप्ति होगी, आज का दिन भाग्य वृद्धि कारक दिन है, धन के आगमन की संभावनाएं भी रहेंगी, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, स्वास्थ्य सुख बेहतर रहेगा, गरीबों में कंबलों का दान करें। चलिए, तो स्वास्थ्य सुख बेहतर रहेगा, गरीबों में कंबलों का दान करें, ये तमाम चीजें आपके दिन को बेहतर और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हैं। तो सुबह सुबह का वक्त है सभी के लिए और अगर आप चाहें तो पूरा दिन खुशनुमा बना सकते हैं, ध्यान से इन चीजों को सुनिए। इसके अलावा भी कुछ भी जहन में विचार उठ रहे हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, फोन जरूर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन खुली हुई है, ईमेल आईडी तक हम लगातार दिखा रहे हैं ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स की। आप इनसे अगर संपर्क साधना चाहते हैं तो आपको इन एड्रेस पर कॉन्टेक्ट करना होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे सिंह राशि वाले, अब जरा आप ध्यान से सुने। जी, सिंह राशि, आज छात्रों को शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता की प्राप्ति होगी, मीडिया और आईटी फील्ड के लोग सफलता की प्राप्ति करेंगे, धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई मुश्किल चल रही थी तो उसमें सुधार होगा, संतान की कोई शुभ सूचना मिलेगी, बीपी के मरीज सावधानी बरतें और आज क्या करें, गायत्री मंत्रों का जाप करें। तो आज आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, पूजा पाठ करने का वक्त हो चुका है, सुबह का वक्त है, जब आप पूजा करें तो गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, जहां आत्म शांति यहां पर मिलेगी आपको वहीं आपके
रुके हुए काम भी बन जाएंगे। और इसके अलावा भी कुछ प्रश्न हैं तो आप भी फोन करें नंबर टीवी स्क्रीन पर, ईमेल आईडी भी जरूर कांटेक्ट करें ज्योतिष आचार्य अंजू वत्स को। कन्या राशि वाले अब जी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं अंजू जी। जी कन्या राशि, आज ऑफिस के कार्यों में व्यवस्था रहेगी। व्यापार व्यवसाय में एक नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आज संघर्ष के बाद ही काम पूरे कर पाएंगे। जॉब में पदोन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। लव लाइफ अच्छी रहेगी। सेहत का ख्याल रखें। कुछ कष्ट हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं। आज क्या करें, आज गरीबों को कुछ कपड़ा या कंबलों का दान जरूर करें। चलिए अब तुला राशि वाले आपकी बारी है। आपके लिए बताने जा रही हैं ज्योतिष आचार्य अंजू वत्स कि क्या आपको करना है आज और क्या नहीं करना है। इसके अलावा अगर सवाल है तो जरूर आप फोन कीजिए, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। तुला राशि के लिए क्या कहेंगे आप? तुला राशि के लिए आज कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आज अपने कार्य में सफल रहेंगे। आज लाइफ पार्टनर की कमी से समय की कमी से नाराज हो सकता है लाइफ पार्टनर। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखें। हेल्थ अच्छी रहेगी। दिन समृद्धि कारक रहेगा। आज गाय की सेवा करें। चलिए आगे बारी आती है अब वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि आप में से जिन जिनका भी है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्या बता रही हैं ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स। जी वृश्चिक राशि, आज राजनीति से संबंधित जातक लाभान्वित होंगे, यानी उनको फायदा होगा। जॉब में उन्नति होगी और आपकी फैमिली में ठीक सुहाने सफर, यानी पत्नी के संग भोजन वगैरह का आनंद भी ले सकेंगे। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं जाने की योजनाएं बनेंगी। श्वास संबंधी, यानी जिनको सांस से संबंधित रोगी हैं, वो अपनी सेहत के प्रति सावधानी बरतें। किसी गरीब व्यक्ति को कंबल दान करें। चलिए गरीब व्यक्ति को कंबल दान कीजिए। जॉब में उन्नति होगी। जॉब को लेकर आजकल लोग काफी ज्यादा जी परेशान रहते हैं और ऐसे में आज तो वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जॉब में उन्नति होगी। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं जाने की योजना बन सकती है। तो अगर आप पहले से चाह रहे थे कि आपको वक्त मिले नहीं मिल रहा था तो हो सकता है कि इशारा ये भी हो कि ये जी योजना बन सकती है, यानी कि आपको वक्त मिल सकता है अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए और जॉब में उन्नति। इस पर हम बात कर चुके। श्वास के रोगी के लिए आप कह रही थी कि हाँ, थोड़ा सा सावधानी रहने थोड़ी के सी लिए बता सावधानी रखने की जी जी जरूरत है, उनको प्रॉब्लम हो सकती जी है। इससे कोई निजात का कोई उपाय भी बताएंगे अगर प्रॉब्लम हुई तो? हाँ, वो जन्मपत्री से तो अलग होगा, ये तो है एक राशि है। तो इसके लिए उपाय है कि आप एक शनिदेव का दान करें, कंबल या कपड़े, अच्छा। आप कुछ भी उसका दान कर सकते हैं चलिए तो धनु राशि के अगर बारे में अब प्रॉब्लम आप है। क्या कहेंगे? जी धनु राशि, बहुत दिनों से रुके हुए काम के पूरे होने से मन में प्रसन्नता रहेगी। बीटेक और एमबीए फील्ड के छात्राओं के लिए नए जॉब के अवसर उपलब्ध होंगे। आज कार्यों से उच्च अधिकारी को प्रसन्न कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें या हनुमान चालीसा पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की उपासना करें, यानी कि आज पूजा अर्चना किसी भी विधि से आपको करनी है, याद जरूर कीजिए आज आप हनुमान जी को। ये आपके लिए एक तरीके की सलाह है। और इसके बाद एक बार फिर याद दिला दूं, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ और भी जानना है अपनी राशि को लेकर या कोई और भी विषय आपके दिमाग में चल रहा है कि इसके बारे में भी अगर हमें पता चलता तो अच्छा होता, तो इसके लिए आपको फोन करना होगा। क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं हमें पता कैसे चलेगा आप क्या जानना चाहते हैं। फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, ईमेल आईडी भी है, आप किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ज्योतिषाचार्य अंजू वत्स को। तो बेझिझक फोन जरूर कीजिए और अपना सवाल पूछिए, समाधान जानिए। आगे बढ़ते हैं, मकर राशि वालों की बारी है। क्या कहेंगे आप मकर राशि के जी लिए? मकर राशि वालों के लिए आज आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी विवाद से दूर रहें। दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। खुशी बनी रहेगी। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है। हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनकी आराधना करें। तो आपके लिए भी है कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं, उनकी आराधना करें।
आप देखिए, वक्त निकालिए मंदिर जाने के लिए। नहीं वक्त मिलता है तो आप आराधना कर सकते हैं, घर में भी उन्हें याद कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। स्वास्थ्य आज आपका बेहतर रहने वाला है। तो अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, आजकल बहुत सारे लोग जो है थोड़ी सी भी हवा लग रही है तो सर्दी से जी परेशान हो रहे हैं, तो आज आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। फिर भी बचाव जरूर करें आप सभी। एक एक शब्द जो ज्योतिषाचार्य अंजु वत्स यहाँ पर बता रही हैं, उन सभी शब्दों पर फोकस कीजिए, ध्यान से सुनिए। और अगर आपको भूलने की आदत है तो उसे नोट जरूर कर लें, क्योंकि आपका दिन आज बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, जहां तक मैंने अंजु जी को सुना मकर राशि के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि वालों की बारी है, अब आप सुने। जी कुंभ राशि राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन बहुत शुभ रहेगा आज का। धन की प्राप्ति की संभावनाएं बनी हुई हैं। छात्र अपनी योग्यता और मेहनत से सफलता की प्राप्ति करेंगे। परिवार में कोई मांगलिक काम कार्य हो सकता है। किसी गरीब को भोजन कराएं आज। किसी गरीब को भोजन कराएं। मैं देख रही हूँ आप आखिर में जो एक तरीके की सलाह दे रही जी हैं, अगर दिन वो कुछ थोड़ा बहुत हाँ, खराब है तो आप ये उपाय करके अपने दिन को सही ये बना सकते काम भी आता है। कहते जी दूसरों की अगर आप मदद करें तो एक तरीके से नेकी हो गई, जी जो आपको जरूर वापस लौट के जी मिलता है। जी तो ये करना चाहिए, ये सभी को करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए कहा गरीबों को कंबल दान कीजिए, आप किसी को खाना खिला दीजिए, लेकिन ये अगर सभी करें, सारे राशि जी वाले करें, तो सबके लिए ये हाँ जी फलदायी है, सबके लिए अच्छा है। आगे चलकर इसका जो है आपको लाभ ही मिलेगा। कुछ भी और पूछना चाहते हैं तो फोन करना ना भूलें, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। एक आखिरी राशि बची हुई है मीन, तो मीन राशि वाले अब आप जरा ध्यान से सुने कि ज्योतिषाचार्य अंजु वत्स क्या कहते हैं आपके लिए। जी मीन राशि आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा आपका। छात्र नए अवसरों की प्राप्ति करेंगे। छात्र अपने टारगेट को पूरा कर सकेंगे। रोगों से प्रभावित व्यक्ति अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज अपने परिवार को पूरा समय दें आप। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। आज क्या करें, आज बंदरों को केले खिलाएं। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम आपको बताते हैं कि ज्योतिषाचार्य अंजु वत्स की ओर से आज की क्या सलाह है। जी आज हम रेगुलर चल रहा है रत्नों के ऊपर जी बातें चल रही हैं। जी आज हम मूंगा रत्न के बारे में जानकारी देंगे। मूंगा रत्न आइए जानते हैं मूंगा के पहनने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में मंगल पापी होकर अशुभ फल दे रहा हो, जी उन्हें उसे नियंत्रण करने के लिए मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा एक ऐसा रत्न है जिसे धारण करने से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस रत्न को पहनने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मूंगा पहनने से अत्यंत लाभ होता है। उदासी और मानसिक अवसाद और को काबू पाने के लिए मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। किसी बच्चे को आलस्य बहुत आता हो या मनोबल कमजोर होता हो तो मूंगा धारण कर सकते हैं। जो बच्चे मेडिकल फील्ड या छात्रों को पुलिस, आर्मी, डॉक्टर, प्रॉपर्टी का काम करने वाले या हथियार जैसे बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, सर्जन, जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन इंजीनियर, इन लोगों को मूंगा धारण करें, इनको लाभ होगा। और जो उच्च रक्तचाप की संबंधित बीमारी है जैसे मिर्गी हो या पीलिया रोगों से जो पीड़ित हैं वो भी मूंगा पहन सकते हैं। मेष, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वाले और धनु राशि और धनु लगन वाले के जी लिए मूंगा बहुत लाभदायक है। चलिए, तो और ये मूंगा माणिक और पुखराज और मोती के साथ भी पहन सकते हैं। किसको क्या किसको पहनना चाहिए और आप इसको किस तरह से पहन सकते हैं, क्या समावेश इसमें होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप तक हम पहुंचा रहे थे कि किसके लिए है। और अगर ये मूंगा कोई पहनता है तो फिर जी उसके लिए कुछ और भी सावधानियां हैं। हाँ, सावधानियाँ यह है कि मूंगा पहनने के बाद आप नॉनवेज या ड्रिंकिंग बिल्कुल ना करें और मूंगे के संग कभी भी लहसुनिया और गोमेद और नीलम ये धारण ना करें। ये सावधानियाँ हैं। मूंगी के साथ लहसुनिया, गोमेद और नीलम कभी भी धारण ना करें। और इसके साथ याद रखें, अगर मूंगा पहनते हैं तो आपको नॉनवेज नहीं खाना हाँ, है, ड्रिंक और नॉनवेज ड्रिंक ड्रिंक भी नहीं करना है और नॉनवेज नहीं खाना है। तो ये सावधानियां आपके लिए बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, इन्हें ध्यान में रखकर ही मूंगा धारण करें आप।
बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को ये मार्गदर्शन देने के लिए और इतना सब कुछ बताने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।